ऊपर आने लगे वो, आपको दिखा वो Hey, good morning. Welcome back with another video and happy Karwa Chauth to everyone. आज है करवा चौथ का दिन यानी 1st November. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं जा रही हूँ सबसे पहले सर की तैयारी करने, तो चलिए आइए. A few moments later. फ्रेंड्स, ये मेरी रेडी हो चुकी है यहाँ पे सरगी. यहाँ सरगी के लिए मैंने अपने लिए कोकोनट पानी लिया है, मिठाई, फ्रूट्स, मीठे में ये लिया है और ग्रीन टी, सो दैट मुझे दिन में भूख ना लगे, क्योंकि ग्रीन टी भूख कम लगाती है बॉडी में, इसीलिए ग्रीन टी मैंने लिया स्पेशली. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी सारी. अरे ये तुम्हारी मेहंदी कितनी अच्छी जड़ी है यार, हैं? ये वाली मेहंदी तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल नाइट वेयर में ही सर्गी कर रही हूँ, नहाई नहीं हूँ, धोई नहीं, बिकॉज तो ऐसा हमारे यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ही सोला सिंगार कर ही आपको सर्गी खानी है. हमारे में नॉर्मल भी आप उठकर अपना मुंह हाथ धो के सर्गी खा सकते हो और बाद में आराम से उठ के भी आप अपना रेडी हो सकते हो नहा धो के. तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कुछ कुछ लोगों के होता है, मेरी मम्मी भी जब जाती थी तो मैं भी उनसे ये पूछती थी कि आप तो नहाए भी नहीं हो और फिर भी आप सर्गी खा रहे हो, तो वो बोले ऐसा हमारे में इतना हार्ड रूल नहीं है कि आपको नहा धो के भी करना है. तो साथ में मुझे ऋषभ ने भी ज्वाइन किया है, इन्होंने व्रत रखा है मेरे लिए, पता नहीं मेरे लिए रखा है या अपना वेट कम करने के लिए रखा है. आ रहे हो तुम? और देखो, सबका अपना अपना विचार होता है व्रत रखने का. इन्होंने सिर्फ रखा है अपना पानी के ऊपर. मैं व्रत नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि एक दिन का चलो एक हम भी कर लेते हैं. तो इन्होंने अपने लिए पानी वाला व्रत. मेरी सर्गी हो चुकी है फिनिश और अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी. ड्यूरिंग द सर्गी आप लोगों ने मुझे नोटिस किया होगा कि मैं निशान से ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ और मैंने ज्यादा स्माइल करके बात नहीं की, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ. हाँ स्टेला, क्या बेटा मेहंदी नहीं चाटो? और तो उसका रीज़न था एक्चुअली रात में ना, मतलब मैं स्माइल करके बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरा उसका एक्चुअली रीज़न ये था कि लाइक रात में मैं मेरी और थोड़ी ऋषभ की अनबन हो गई थी किसी बात को लेके, और अभी भी मैंने उनको सर्दी के लिए नहीं उठाया था, अपने लिए खुद बना लिया था मैंने. बट ये कहाँ से स्टेरा पता नहीं क्यों भौंकी, क्यों बार्किंग किया इसने. यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में ही बात हो रही है, ये मुझे देख रही है. तो ये पता नहीं कहाँ से भोंगी और वो उठ गए, तो बोले मैं अपने लिए बना लिया, मेरे लिए नहीं बना, मैंने आपको क्या करना उठ के सो जाओ ना जाके. तो बोले नहीं मुझे खाना है. मैंने क्यों खाना है? बोले ऐसी तो बोले वो बोले कि मतलब फास्ट रखना है ऐसा पानी में. मैंने बोले ठीक है देखो, अगर आपको रखना है प्रॉपर विधि के साथ रखो. स्टेला इसको देखो जरा, इसको देखो. बस शी इज़ अ टेंशन सीकर, इसको टेंशन नहीं दो ना तो इसको बुरा लग जाता है, तो फिर ये मेरे को आके खिंचती है. तो फिर उनको लगा कि नहीं, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं पानी वाला रखूँगा एंड ऑल दिस वन. तो ठीक है मैं रखो, मतलब एनी वेज लिव इट. आई होप कि एट द एंड ऑफ द डे अच्छे नोट पे खत्म, मतलब ठीक हो जाए. आई थिंक अब दिन शुरुआत हुई है. तो मैं अभी अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ इन द कप ऑफ मिस्टर मिसिज ऑलवेज राइट एंड बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट. सो गर्म है अभी, धीरे धीरे करके पीऊँगी. तो आज के व्लॉग को अभी मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, बिकॉज आप लोग भी जाइए अपना इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए. अरे स्टेला क्या है, क्या है, क्यों 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 क्यों? आप लोग भी जाइए कमेंट्स करके बताइए कि लाइक आप लोग यहाँ पे करवा चौथ कैसे मनाया जाते हैं, क्या करते हैं, और सुबह उठकर आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब नाइट वेयर में भी चलता है, या आप लोग भी सोला श्रृंगार करके सज धज के और एकदम अच्छे, बिकॉज
जब मैं अनमैरिड थी ना तो मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, और इवन मैं शादी के बाद भी मेरे जो ससुराल में भी लोग करते वैसे ही करते हैं, वो इतना नहीं उठ के नहा कर धो के करते, पर सुबह उठ के मुँह हाथ धो के ये सब करके सर्दी खाते हैं और उसके बाद फिर आराम से उठ के मतलब अपना नहाकर दिन शुरुआत करते हैं, तो इतना कोई नहीं है। लेकिन नहा पर मैं जब अनमैरिड थी ना तो मेरे कॉलोनी में जो लोग थे ना वो सारे के सारे, हमारी मोस्टली कॉलोनी में ना पाकिस्तानी पंजाबी थे, जो कि जैसे ये होंडाज, जो कि होंडाज कपूर्स मल्होत्राज ये जो होते हैं ये पाकिस्तानी पंजाबीज है, दे आर नॉट अ प्योर पंजाबीज, उनको हम पंजाबी में जांगी बोलते हैं, जांगीज। तो वो लोग ना एकदम सज के सवर के सुबह उठ के एकदम बाल बाल धोकर प्रॉपर रेडी होके चूड़ी वूड़ी नई चूड़ियाँ वड़ियाँ डालकर ही करवा चौथ का सरी रखते थे। अरे यार सुबह इतनी जल्दी उठ के कौन करे। एनी वेज छोड़ो ठीक है लीव इट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी जितना मैं बोलती रहूँगी। तो अभी तो धीरे धीरे पीऊँगी, तो फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। वीडियो अभी के लिए मैं पॉज करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर हम मिलते हैं। आप लोग जाइए रेस्ट कीजिए, अपना करवा चौथ मनाइए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन, और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। फ्रेंड्स मैंने अपनी रंगोली बना ली है, मंदिर सेटअप कर लिया है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपनी आउटफिट को आयन करने, बट बिफोर दैट मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नहा लूँ, नहा कर फिर उसके बाद मैं अपने ड्रेस को आयन करूँ और फिर मैं रेडी होना शुरू करूँगी, बिकॉज अभी टाइम भी होने वाला है, 3 बज रहे हैं। तो नहा धो के फिर मैं रेडी होना शुरू करूँगी, तो पहले मैं जाती हूँ नहाती हूँ फिर मैं करती हूँ आगे का काम। तो फ्रेंड्स मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ फटाक से, और अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े आयरन करने, तो चलिए। रेडी हो चुकी है, ये मैंने सामान सारा इकट्ठा करके रख लिया है, बस निशांत मैं वेट कर रही हूँ, वो आएंगे उसके बाद फिर हम कथा शुरू करेंगे। तकरीबन 4:30 हो चुके हैं और दिस इज द राइट टाइम, तो बस अभी वो आते हैं फिर हम कथा शुरू करते हैं। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। 2 hours later. Hello friends, so मैं अपनी फ्रेंड के घर होके आई थी और अब जा रही हूँ घर शाम की आरती की, लाइक शाम की पूजा के लिए तैयारी करने, और बस आ गया मेरा फ्लोर 4th number। तेरे मेहरा बेचो तेरी।
5 minutes later. क्या कर रही हो? फोन कॉल फोन।